अमृतारी जीना है ऐसा कैसे। चुप रहिए भाई, चुप रहिए आप लोग, एकदम सटे जा रहे हैं। और संदेश उपदेश दोनों सब कुछ एक ही है कि पिछली बार चुप के इस बार मत चुकिएगा। इस बार आप लोगों से और दिल से और ज्यादा अनुरोध है कि सीधे कमल के बटन को दबाइए और दिनेश जी को दीजिए। अमृतपाल जी, जिस तरीके से हमने देखा कि जिस दिन नामांकन था उस दिन भी आपका आना हुआ और जिस तरीके से देख रहे हैं गर्मी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन चुनावी गर्मी क्या लग रहा है? गर्मी सामने चुनावी गर्मी है तो ये हमको ज्यादा महसूस नहीं हो पा रही है इसीलिए, लेकिन ठीक है, मेहनत करना ही इंसान का धर्म है। हम मेहनत करते हैं, जब अपना कर्म आदमी अच्छे से करता है तो अच्छा फल मिलता। आजमगढ़ तो मेरे लिए कभी पुराना था ही नहीं। आई थिंक जब पॉलिटिकली दिनेश जी नहीं जुड़े थे आजमगढ़ से, तब से हम लोग आजमगढ़ में शूटिंग करते हैं, हम फिल्में कर रहे हैं, तो आजमगढ़ से बहुत पुराना लगाव है। अब आजमगढ़ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब लग रहा है कि हम लोग को भी कुछ आजमगढ़ के लिए करने का मौका मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और जितना स्नेह और प्यार आजमगढ़ से मिलता है, मैं चाहती हूँ कि को उतना ही स्नेह और प्यार हमेशा मिलता रहे आजमगढ़ से। चलिए, बहुत अच्छा है। और आपके फैन फॉलोअर भी हैं यहाँ के और मैं उनको भी देखता रहता हूँ, तो उनके लिए कुछ हो जाएगा गाना? तो फिलहाल एक ही मेरे दिमाग में चल रहा है कब से, और वो ही दो लाइन में हर जगह सीधे कमल का बटन दबाना है, दिनेश जी को जिताना है। सीधे कमल का बटन दबाना है, दिनेश जी को जिताना है। भारत माता की जय। मुझे आके ये लोग मेरे याद दिला रहे, आजमगढ़ को पूरी तरह याद है, ये लोग मुझे याद दिला रहे हैं। खास तौर पर विरोधी जिस तरीके से बजाने वाले हैं, राजनीति का बातें आती हैं, उसके बाद हमको बस यही लगता है कि ये सोच बहुत अच्छी है कि आप किसी को उसके प्रोफेशन के हिसाब से जज करें, लेकिन हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ पे ना कोई जाति देखता ना धर्म देखता, ना प्रोफेशनलिज्म देख के किसी को आंकता है, एक अच्छे कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। और यही मुझे भाजपा के बारे में बहुत अच्छा लगता है। और कोई अगर आपको किसी भी वजह से शेम करने की कोशिश करे आपके प्रोफेशन की वजह से, तो इससे उनकी सोच पता चलती है, उनकी विचारधारा पता चलती है और दया आती है। अच्छा अनुपम जी, हाँ जी, इस तरीके से पिक्चरों में आपने कई जगह राजनीतिक रोल में है, कई जगह ट्रेनिंग भी की है, रियल में और रील में क्या अंतर है? कोई खास अंतर नहीं होता है। हम रियल में जब फिल्म की शूटिंग करते हैं तब भी ऐसे ही गांव की गलियों में इतनी मेहनत हमको करनी पड़ती है और अभी भी उतनी मेहनत करनी पड़ती है। और मैं वही जानती हूँ कि मेहनत करना हमारा धर्म है और वो हम करते रहे। नतीजा आता है? नतीजा तो ये भगवान तुल्य जनता है, ये लोग नतीजा अपना देंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि हमेशा की तरह इस बार भी प्यार देंगे। यूपी के सभी दर्शकों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रणाम नमस्कार, आप लोगों ने हमेशा बहुत प्यार बहुत स्नेह दिया, यही प्यार और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे। तो ये थे अमृतपाली गोविंद जी जिनका आपने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।
जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संतोष कहाँ जिंदाबाद। फोन कर ले, अरे आ गए हो, कदे आ गए, आ गए। Let's go.